दोस्तों, यदि आप हाल ही में संपन्न रीट 2023 परीक्षा के लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं और आपके जो पेपर होने के बाद कुल मार्क्स हैं वो 100 से कम आ रहे हैं और ऑनलाइन वीडियोस देख करके या फिर अपने दोस्तों के नंबर सुन करके आप चिंता में हैं, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक एनालिसिस देने का प्रयास करूंगा जो एनालिसिस आपको सटीक रूप से ये निर्धारित करेगा कि आपकी इस परीक्षा की कट ऑफ कितनी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और मैंने 3 बार आरएस प्रीलिम्स दिया है और दूसरी बार आरएस का इंटरव्यू देने वाला हूं। पिछले वर्ष मेरी रैंक 733 रही थी। इसके अलावा मैंने एसएससी, यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस, रेलवे और अन्य कई परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण किया है। तो आपके पास एक वाजिब वजह है जिससे आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए आइए वो विश्लेषण करते हैं जो आपको बिल्कुल सटीक और बिना डराने वाला जो है एक अंदाजा देगा, जिससे आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। तो बात करते हैं हम शुरुआत हमारे दो एग्जाम्स को कंपैरिजन को लेकर के, आपकी पिछली रीट की परीक्षा और वर्तमान की रीट की परीक्षा में जो स्टैटिक्स है उनके साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 और 2023 में, तो जो कुल पदों की संख्या है उस पर एक बार आप नजर डालिए। अगर आप कुल पदों की संख्या पर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल पोस्ट रही है 15,500, ठीक है, 2021 में। जबकि इस बार की बात हम करें तो यह संख्या बढ़कर हो गई 21,000 लेवल 1 के लिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि आपके यहां पर इस बार जो पदों की संख्या है उसमें 40% का इजाफा हुआ है। कितना? 40%। तो अगर मान लीजिए 40% आपके पद बढ़ गए हैं, तो ऐसे में इसका परिणाम क्या मानेंगे? सीधी सीधी बात है, अगर केवल पद बढ़ते हैं तो आपके सीधे सीधे कट ऑफ कम जाने का अंदाजा रहता है बिना किसी और परिवर्तन के। कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके पद 40% बढ़ गए हैं तो ऐसे में आपकी कट ऑफ कम जाएगी। इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है स्टूडेंट्स की संख्या। दोस्तों, अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में आपके 10 लाख अभ्यर्थी जो है प्रविष्ट हुए थे परीक्षा में। 12.5 लाख छात्रों ने जो है वहां पर फॉर्म भरे थे और उनमें से 10 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। इस बार की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा छात्र रजिस्टर हुए थे, जिनमें से मात्र 1,96,696% छात्रों ने जो है यहाँ पर एग्जाम दिया। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या की बात करें तो इसमें डिक्लाइन होता है 80% का, ठीक है, मतलब कि 80% कम छात्रों ने अब की बार आपकी ये परीक्षा दी है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर बाकी सब चीजें सही है और केवल छात्रों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाता है और कट ऑफ कम जाने की ही गुंजाइश रहती है। फिर उसके बाद में आती है पर सीट स्टूडेंट की बात। तो आप अगर देखेंगे तो पिछली बार एक सीट पर लगभग 64 छात्रों के बीच कंपटीशन था और इस बार ये घट करके केवल 10 छात्रों पर ही रह गया है। तो यहां से भी आपकी कट ऑफ कम जाने की ही गुंजाइश है। फिर बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों, जहां पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और सभी छात्रों ने 150 प्रश्न अटेम्प्ट किए, वहीं पर इस बार नेगेटिव मार्किंग थी और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपकी कट ऑफ को काफी नीचे भेज सकता है। चलिए मैं इसे आपको समझाता हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पिछली बार 150 प्रश्नों में से जिस छात्र ने 133 प्रश्न सही किए वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो पाया था। अगर हम देखें कि इस बार भी ऐसा ही होता और सभी छात्र 150 प्रश्न पूरे करते तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता? यहां पर नेगेटिव मार्किंग होने पर कोई छात्र अगर 150 पूरे करता भी तो भी उसके 17 प्रश्न गलत होते और इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग में उसके 6 प्रश्न और गलत हो जाते। तो कुल मिलाकर के अगर उसके 23 प्रश्न गलत हो जाते तो यहां पर उसके जो टोटल नंबर ऑफ जो कट ऑफ चली जाती वो 127 नंबर पर जाने की संभावना यहां पर थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो कोई भी छात्र 150 स्कोर नहीं करता। कुछ बिरले छात्र ही होते हैं जिनकी संख्या महज मतलब आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना मान के चलें, तो ऐसे बहुत कम छात्र होते हैं। 140 से ऊपर क्वेश्चन जिन्होंने किए होंगे उनकी संख्या मुश्किल से 100-150 के करीब रही होगी, वो भी ऐसे जिनको फुल कॉन्फिडेंस अपने आप पर रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नौसिखिए रहे होंगे और जो नेगेटिव मार्किंग को नहीं समझते हैं। तो यहां पर
अगर मान लीजिए इस बार ज्यादातर छात्रों की अगर हम बात करें तो उनके अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चनों की संख्या है 120 से 125, तो ऑटोमेटिकली 25 प्रश्न तो आपके वैसे ही कम हो गए। अब जब यहां पर 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने के बावजूद 17 प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कोई छात्र जब 125 प्रश्न या 120 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहा है तो एटलीस्ट उसके 17 से 18 प्रश्न गलत होंगे ही। दूसरी बात जो बात आती है वो है पेपर का लेवल। जहां 2021 के पेपर का लेवल अपेक्षाकृत सरल था, वहीं इस बार सिलेबस में बदलाव होने की वजह से और कंप्यूटर और बाकी कुछ विषयों के करंट अफेयर्स के खासकर डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की वजह से कई प्रश्न लोगों के गलत भी हुए हैं। इंग्लिश में भी कई छात्रों को जो लेवल 1 के हैं उनको काफी दुविधा यहां पर देखने को मिली। तो अगर मान लीजिए 120 प्रश्न कोई छात्र अटेम्प्ट कर रहा है और हम मान के चले कि उसके इसी अनुपात में 17 प्रश्न गलत होते हैं और अगर हम उसके 23 प्रश्न माइनस करते भी हैं तो उसका जो स्कोर है वो 97 के करीब हो जाता है, मतलब 95 से लेकर 100 के बीच में उसका स्कोर वहां पर चला जाएगा। लेकिन यहां पर हमें और बातों का भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पदों की संख्या बढ़ गई है, यहां पर स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये दो और बड़ी चीजें हैं जो यहां पर आपकी कट ऑफ को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। हाल ही में संपन्न हुई आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा में 3,20,000 छात्र जो है बैठे थे और उनमें से 22,000 छात्रों को प्रीलिम्स के लिए पास किया गया, जो आपके इस नंबर के लगभग बराबर है, ठीक है। अब वहां पर आप देखेंगे 150 ही प्रश्न वहां पर थे, लेकिन मात्र 64 प्रश्न जिस छात्र ने सही किए थे वो फाइनली सेलेक्ट हो गया था। तो जहां आरएएस में 150 में से 64 प्रश्न करने वाला प्रीलिम्स में पास हो रहा है, तो ऐसे में क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके भी यहां पर 64 प्रश्न होंगे, क्योंकि आरएएस के पेपर का लेवल थोड़ा स्लाइटली हार्ड होता है, आपके यहां पेपर का लेवल थोड़ा कम है, ऐसी परिस्थिति में ऑटोमेटिकली जो है आपके यहां पर कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की गुंजाइश है। 64 तो नहीं, लेकिन बढ़ करके आपकी जो कट ऑफ का अंदाजा मेरे हिसाब से है वो यहां पर आपका बैठता है लगभग 85 से लेकर के और 90 प्रश्न। और आप इस बात को याद करेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये एनालिसिस कोई हवा में किया हुआ एनालिसिस नहीं है, ये एक सटीक एनालिसिस है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। उसका कारण है आपके पदों की संख्या में 40% की वृद्धि, आपके स्टूडेंट्स की संख्या में 80% की कमी। आप सोचिए, जहां पहले 100 छात्र एक साथ कंपटीशन कर रहे थे, वहां अब केवल 20 ही छात्र कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि आपके पद भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। आपकी कट ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग है वो अब यहां पर आपके सामने है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके लिए दुविधा पैदा करती है, कौन सा प्रश्न छोड़ें कौन सा करें। और डेफिनेटली बड़े से बड़े एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग आपके काफी प्रश्नों को लेकर जाती है। आप अपने आस पड़ोस में किसी भी छात्र से पूछना, उसके 15 से 20 प्रश्न डेफिनेटली गलत हुए ही होंगे। मुश्किल से ही ऐसा कोई छात्र होता है जो 90% की एक्यूरेसी के साथ में प्रश्नों को सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो आप ये जो 100, 110 और इस तरह की जो भी आपको कट ऑफ बताई जा रही है उसके चक्कर में ना पड़े, वो आपको डराने के लिए, आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप आराम से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो। और एक और फैक्ट यहां 2021 की परीक्षा में है, ये काफी विवादित परीक्षा रही थी। इस परीक्षा में पेपर आउट की काफी घटनाएं सुनी गई थी, बड़ी मात्रा में एक ही सेंटर के कई छात्रों के बहुत अधिक नंबर थे, तो वो भी एक कारण रहा जहां कट ऑफ को इसने इतना ऊंचा पहुंचाया। हाल ही में जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें एवरेज स्टूडेंट्स के नंबर 100 टू 110 हैं, जबकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये भी रीट RSM SSB के द्वारा ही ली गई थी और आपका ये रीट मेंस का एग्जाम भी RSM SSB के द्वारा ही लिया गया है। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप 100 नंबर नहीं ला पाए हैं तो आप सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, इस नंबर पर आप सेफ जोन में, यदि आप जनरल कैटेगरी में है तो। ये मेरा अपना विश्लेषण है, मेरा अनुभव है पिछले 8 सालों का। मैं टीचिंग में भी हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट की भांति सोचता हूँ और पिछले 3 आरएएस के जो मेरे अनुमान हैं वो बिल्कुल सटीक निकले, जिनके वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। अगर आप इस स्कोर पे हैं तो आप सेफ जोन में। तो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वीडियो ज्वाइन जो है उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।